नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? और नई वीडियो में सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आ चुका हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई मेडिसिन के साथ। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो दोस्तों मैं डिस्कस करूँगा बैद्यनाथ कंपनी के महारा सनादि काढ़ा से रिलेटेड। इसको कैसे यूज़ करना है, क्या इसके MRP है, कौन सी बीमारी में आप इसको ले सकते हैं, और कब तक आपको यूज़ करना है, कहाँ से आपको अवेलेबल मिलेगा, इससे जुड़ी हर जानकारी आज की इस वीडियो में दोस्तों देखने को मिलेगी। तो वीडियो एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन बटन से प्रेस जरूर करें। सो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं जो बैद्यनाथ कंपनी है महाराज सनादि काढ़ा है किस लिए बनाया गया, कौन सी बीमारी में आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों ये यूज़ की जाती है जॉइंट पेन के लिए, मस्कुलर पेन के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, रेमेटाइड आर्थराइटिस के लिए। अगर दोस्तों आपको लो बैक पेन रहता है, सियाटिक प्रॉब्लम जैसे देखी जा रही है, या दोस्तों आपके नर्वेस काफ़ी ज़्यादा वीक है दोस्तों, उसको भी अच्छी स्ट्रेंथ देता है। और दोस्तों अगर आपके जोड़ों में एक अकड़ाहट बनी रहती है, सूजन आई हुई है, या आपका दोस्तों एपेटाइट इंप्रूव नहीं हो रहा दोस्तों, आपको भूख कम लगती है, तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो कि दोस्तों पैराफिलेजिया की अगर कोई प्रॉब्लम देखी जाए तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि दोस्तों ऐसी बीमारी में यूज़ की जाती है सिर्फ। और इसकी क्या MRP, तो ये दोस्तों आधी 245 रुपये की, जो कि आपके नज़दीकी जो आयुर्वेदिक फार्मेसी वहाँ से इसको ले सकते हैं। दोस्तों इस सिरप को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको दोस्तों ऐसे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, अगर कोई ऐसी बीमारी हो रही है तभी आपको दोस्तों ये सिरप यूज़ करना है, तो आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, 5 से 10 ml आपको इसमें सिरप यूज़ करना, 5 से 10 ml आपको इसमें वाटर यूज़ करना, जो कि खाने के आधे घंटे के बाद ले सकते हैं इसको एक दिन में। और दोस्तों इसमें आपको क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं दोस्तों, जो वुमेन प्रेगनेंट है, जो कि गर्भवती महिलाएँ हैं, वो इसको यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, ये चाहिए दोस्तों आप जरूर फॉलो करें। सो दोस्तों इस सिरप को कब तक यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से देखी जा रही है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से हो रही है, जैसे कि 3 मंथ से देखी जा रही है, 6 मंथ से देखी जा रही है, फिर बहुत लंबे समय से हो रही है, थोड़ी इसके कंटिन्यू यूज़ करें, जो कि आयुर्वेदिक सिरप है। और दोस्तों इसके अंदर जो है एक जो इसके साथ एक टैबलेट भी ले सकते हैं, जो कि दोस्तों गुगलू आती है, जो कि इसी नाम से आती है, वो आप जो है आयुर्वेदिक फार्मेसी से ले सकते हैं। गाइज मैंने सिरप की आप सभी कंप्लीट नॉलेज दे दी है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस जरूर करें। सो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी से दिल से धन्यवाद। सो दोस्तों हमें सपोर्ट जरूर करें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सो दोस्तों इस वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।